प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित पाठ भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाग में अध्ययन करने से पहले आपको पूर्व भाग का भी सम्यक ज्ञान हो चुका होगा, उस बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेखक ने अभी तक जो बताया है उसके अनुसार हम अपने समाज के जितने भी अंधविश्वास, अपनी कुरीतियां हैं, जो भी हमारे प्रगति के मार्ग के व्यवधान हैं, उन सारे व्यवधानों को दूर करें, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी बनावें, अपने देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, अंग्रेजी विद्या को हम सीखें, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करें, विज्ञान और तकनीकी का विकास करें और आत्मनिर्भर बने। सबसे बड़ी है कि हम आत्मनिर्भर बने। जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम दूसरों का देखते हैं, हमें वो सीखना पड़े। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मनिर्भर होने का सपना देख सकते हैं, अपने समाज को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा अगर हम आपस में मिलजुल करके रहें, संगठित रहें और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने, तो निश्चित रूप से हम समाज में थोड़े समय में ही एक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। एक दूसरे को देख देख करके ही समाज परिवर्तित होता रहेगा, परिवर्तित होता जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। हमारे बीच में कौन सी समस्या है, उस समस्या का समाधान क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उस कारण का निवारण कैसे हो सकता है, उन सारी चीज़ों को हम देखें, समझें और आत्मविश्लेषण करें। क्योंकि उस समस्या जो हमारे अंदर पैदा हुई, हमारे समाज में पैदा हुई है, उस समस्या का समाधान कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। उसका चिंतन हमें स्वयं करना है, उसका निवारण हमें करना है, उसका समाधान हमें ही खोजना है। इसलिए हम आत्मविश्लेषण करें और एक दूसरे से विचार विमर्श करें कि उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। तरह तरह की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो धर्म की ओट लेकर के कोई समस्या बनी हो, यानी धार्मिक कोई आडंबर हमारे समाज में समाज को आगे बढ़ने से रोक रहा हो, तो उसको हम दूर हटाएं, उसका निवारण करें। अगर देश की व्यवस्था के संबंध में अगर कोई अवरोध है, उस व्यवस्था की ओट लेकर के कोई अगर इस तरह की समस्या आ रही है, तो उस समस्या का निवारण हमें उसके लिए करना है। कोई सुख की आड़ में कभी कभी हम जीवन के आदि हो जाते हैं, कोई व्यवस्था जो हमारे जीवन में चल रही है और जिसे हमें जीवन में सुख आ रहा है, उस सुख को छोड़ करके हम नई व्यवस्था को, नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम ये जानना ही नहीं चाहते हैं, हम ये चिंतन नहीं करना चाहते हैं या कोई एक नया कदम उठाना नहीं चाहते हैं कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। लेकिन इस सब चीज़ों को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है, तो पुरानी व्यवस्थाओं को जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई हैं, उनको छोड़ना ही होगा। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ। ये सारे क्या हैं, हमारे समाज के व्याप्त चोरों की भांति हैं, जो समाज को क्षय पहुँच कर रहे हैं, समाज को क्षीण कर रहे हैं। उनको बांध बांध कर कैद करो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो धार्मिक आडंबर हो, रूढ़िवादिताएँ हों, रीतिवाज हों, अशिक्षा हो, अज्ञान हो, जो भी हैं, इन सब को कैद करके जेल में डालो। चाहे वो समाज की जेल हो, चाहे वो व्यवस्था की जेलें हों, कहीं पर भी हो, उनको कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हों, उनकी जड़ को खोद कर फेंक दो। यानी जो भी हैं, जड़ समेत अगर समूल नाश कर देंगे हम, तो दोबारा उनका उत्पन्न होना असंभव है। अब ये प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। यानी हम क्या उन्नति करें, किस प्रकार का सुधार करें, इस बारे में हमारा चिंतन ही नहीं है। हमने कभी इस बारे में चिंतन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि हमें सुधरना भी है या हमारे समाज को सुधार की कोई अपेक्षा भी है। समाज को जिस तरह से चल रहा है, उस व्यवस्था को हम परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। उसी में अपने जीवन को हम सुख का अनुभव करते हुए आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं और वही पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित होता रहता है। तो इसलिए अब आवश्यकता है कि उस पुरानी परंपरा से बाहर निकल करके एक नवीन समाज का गठन करना है, एक नवीन समाज का निर्माण करना है। तो इसलिए सुधारना क्या होता है, इस बारे में चिंतन करना होगा। किसको अच्छा समझें, क्या लें, क्या छोड़ें, यानी क्या हमारे समाज में अच्छा है, क्या
हमारे लिए ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, क्या त्याज्य है, इस बारे में हमने कभी विचार नहीं किया है। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है, इस बारे में हमें चिंतन करना ही होगा। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यानी हम धर्मानुसार अगर कार्य करते हैं, यानी हम धर्म क्या है, कर्तव्य का सम्यक पालन करना। कर्तव्यों का सम्यक अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम धर्मानुसार करते हैं, उस धर्म को हम अपने जीवन का अंग बनावें। धर्म केवल पूजा पाठ या रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है, नियम संयम का पालन करना नहीं है, कर्तव्यों का सम्यक पालन करना धर्म है। अगर हम कर्तव्यों का और कर्तव्य का अर्थ है जो हमें करना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को पता होता है कि मनुष्य रूप में उसे क्या करना है, क्या करना उसकी नियति है, उसको क्या करना चाहिए। इसलिए अपनी उन्नति का हम जो मूल है उसको धर्म को बनावें। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है, यानी हम अपने कर्तव्यों के पद पर आगे बढ़ें, धर्म को आगे बढ़ावें, धर्म को अपने जीवन का अंग बनाएं। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हैं, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। अंग्रेजों ने धर्म नीति और राजनीति को आपस में मिला दिया है, इसलिए वे उन्नति के शिखर को स्पर्श कर रहे हैं। उनको जाने दो, अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं, यानी हर चीज धर्म से जोड़ी गई है, जिससे मनुष्य धर्म के डर से उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनका आचरण करेगा, उन्हें अपने जीवन का अंग बनाएगा। और इस प्रकार से धर्मानुसार रीति व्यवहार जब चलेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा, यानी हम धर्म के अनुसार समाज का गठन हमने किया और उन सब चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया है। अनेक प्रकार की नीतियां, समाज का गठन और वैद्यक आदि जो व्यवस्थाएं हैं उन सब को धर्म के सांचे में ढाला गया है। एक दो मिसाल उदाहरण सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, दस दस पाँच पाँच कोस से वे लोग एक जगह पर एकत्र होकर आपस में मिले। यानी जो मेला है वो इसलिए है क्योंकि पहले जो यातायात के साधन इतने समृद्ध नहीं थे जितना आज है, या इतना तकनीकी का आविष्कार हुआ था जितना आज, इस तरह की जो संसाधनों का उपार्जन है वो इतना नहीं हुआ था जितना आज है, यानी हर तरह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अभाव था। यहाँ पर इकट्ठे सारे लोगों की आवश्यकता की सारी वस्तुएं मिलेंगी, और जो लोग आपस में नहीं मिल पाते हैं उनमें आपस में मिलना जुलना और आपस में संवाद भी हो सकेगा, एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे, एक दूसरे से परिचय हो सकेगा, एक दूसरे के सुख दुख में हम सहभागी बन सकेंगे, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वो चीज़ें जो गांव में नहीं मिल सकती यहाँ से ले जाएं, वो चीज़ें जो हमारे जीवन में आवश्यकता है लेकिन वहाँ पर हमारे सीमित संसाधनों में जिनकी जो नहीं मिलती हैं वो यहाँ पर जो मिल रही हैं उनको ले जाएं। यहाँ पर सारी वस्तुएं एक स्थान पर मिलती हैं और सारी वस्तुएँ जो उनकी आवश्यकता की है वहाँ पर यहाँ से खरीद करके ले जा सकते हैं, अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। जिसमें महीने में एक इस जो एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिस महीने में एक दो उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, व्रत का भी धार्मिक भोजन होने के साथ उसका जो हमारे शरीर से भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र व्रत पवित्र और शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने शरीर के इस तंत्र को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, उसे आगे उसे स्वस्थ रखने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम व्रत भी रखें, जिससे हमारे शरीर को अधिक और ऊर्जा मिल सके। गंगा जी नहाने जाते हैं, पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलवे की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। यानी गंगा जी नहाने या हम कहीं पर भी स्नान करते हैं तो जो भी स्नान का जो विधान है वो ये है कि हम पहले पानी को सिर पर डालें और तब वो आकर के तलवे में अपने आप आ जाएगा। यदि हम इसका उल्टा करते हैं तो जो नीचे की गर्मी है तलवे की, पैर की या सारे शरीर की, वो मस्तिष्क में चढ़ जाएगी और मस्तिष्क हमारा विकृत हो जाएगा। मस्तिष्क हमारा नेतृत्व करता है इस शरीर की व्यवस्था को संचालित करने के लिए। अगर मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो गया तो निश्चित रूप से शरीर सारा विकृत हो जाएगा। इसलिए मस्तिष्क को हम शीतल रखें, सम रखें, उसे स्वस्थ रखें, इसलिए आवश्यक है कि हम सिर से पानी तलवे की ओर पानी डालें, जिससे वो सारी जो गर्मी जो शरीर की है वो तलवे से बाहर चली जाए। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। इन त्योहारों का भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से है।
वैज्ञानिक कारण है उसका, उनको मनाने का, उनके मनाने के ढंग का जो है वो उसका प्रयोजन है, उसका वैज्ञानिक प्रयोजन है। ये दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने हम पूरे घर की सफाई करते हैं, क्योंकि अभी अभी वर्षा काल ख़त्म होता है। वर्षा काल में तरह तरह के जीव जंतु कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जगह जगह पर नमी आ जाती है, वो एक बार फिर से सफाई हो जाती है तो सारा घर एक व्यवस्था में आ जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, जितनी भी नमी है वो साफ़ हो जाती है और जितनी भी गंदगी है जो वर्षा काल के साथ बह करके आई है वो सारी समा जो दूर हो जाती है। इसी तरह से होली मनाई जाती है कि वसंत में जो हवा का प्रवाह दूषित तो हो गया है वो अग्नि जलने से स्थान स्थान पर जब आग जलाते हैं तो उसे शुद्ध हो सकती है, क्योंकि अग्नि में जल करके सब कुछ स्वस्थ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, इसलिए वह स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो जाए। यही त्यौहार तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी हैं, इन म्यूनिसिपैलिटी हमारी नगर पालिकाएँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। म्यूनिसिपैलिटी जो है वो तरह तरह की व्यवस्थाएँ हमारे समाज के लिए करती है, साफ सफाई हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य हो, तरह तरह की व्यवस्थाएँ करती हैं। उसी प्रकार से यह त्यौहार भी हमारे लिए नगर पालिका के समान हमारे जीवन के को आगे बढ़ाने में, उसको समृद्ध बनाने में बड़ा ही महत्व रखती हैं। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है, यानी कोई ना कोई उसका प्रयोजन निश्चित रूप से, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं है, निरुद्देश्य कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई एक विशेष उद्देश्य छिपा हुआ है। इसीलिए त्योहारों को मनाना और त्योहारों के मनाने का ढंग दिया गया है, उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है कि जो जिन देशों ने समृद्धि को प्राप्त किया है, उत्कर्ष को प्राप्त किया है, उन्नति को प्राप्त किया है, उन सब ने समाज नीति और धर्म नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो पानी भी दूध के रंग का और उसी मूल्य का हो जाता है, वही गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार से धर्म नीति और समाज नीति को भी मिला दिया गया है। खराबी जो बीच में भई वो ये कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा, यानी कोई भी धर्म जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के पीछे कारण क्या है उस कारण को नहीं जाना और हम उसको उसी प्रकार से मानने लगे हैं। उसके कोई भी व्यवस्था समाज में जो दी गई है वो व्यवस्था क्यों दी गई है ये हमने कभी विचार ही नहीं किया है, उसके मूल कारण को कभी जानने का प्रयास नहीं किया है। और इन बातें जो भी चाहे लोकाचार में किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो हम उसको केवल अंधविश्वास के भांति उसको मानने लगे हैं, उस पर विश्वास करने लगे हैं और अपने जीवन में हमने उसको अनुसरण किया है। भाइयों वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, यानी ईश्वर की भक्ति करना वास्तविक धर्म है। लेखक के अनुसार अगर हम ईश्वर में पूर्ण भक्ति रखते हैं, पूर्ण निष्ठा रखते हैं तो निश्चित रूप से हम धर्मानुसार आचरण करेंगे, यानी कर्म का सम्यक पालन करेंगे, कर्तव्यों का सम्यक पालन करेंगे और इस प्रकार से हम धर्म विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। और जब धर्म विरुद्ध नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि और जीवन की समृद्धि आएगी ही आएगी। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सोधे और बदले जा सकते हैं, यानी जो भी चाहे त्यौहार हों या समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी सामाजिक धर्म हैं जो समाज के बदलते परिवेश के साथ वो भी अपने आप में बदलते जाते हैं, वो उनमें संशोधन होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन आते रहते हैं और उस समय के अनुसार परिवर्तन होती रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन हमारे समाज में नवीनता लाता है, परिवर्तन नवीनता का वाहक है, परिवर्तन शाश्वत होने के साथ साथ हमारे समाज में या सब जगह पर जहाँ जहाँ परिवर्तन होता है वो नवीनता लाता ही लाता है, इसलिए परिवर्तन होते रहना चाहिए और होते रहते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए, यानी हमारे जो बुद्धिमान ऋषि महर्षि हैं या हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति को प्राप्त किया है, शिखर को स्पर्श किया है, पूरे विश्व में उनका वर्चस्व रहा है, उनका प्रभाव रहा है, उनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को नहीं समझा, तात्पर्य नहीं समझा कि उन्होंने कोई व्यवस्था समाज को क्यों दी है और हम केवल उसके अनुयायी बनते गए हैं। किसी भी चीज़ में जो व्यवस्था दी गई है, शास्त्रों में वर्णित है या समाज में वर्णित है, समाज में जिसका प्रचलन है उसका उद्देश्य हम जाने, उसके मूल कारण को जाने, तभी हम उसको अच्छी तरह से अपने जीवन का में ढाल सकते हैं। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, हमने सबको व्रत मान लिया और सबको सब स्थानों को तीर्थ मान लिया सब कुछ, लेकिन वो वास्तव में है कि नहीं और अगर है तो उसके पीछे का कारण क्या है इसको भी जानने का प्रयास करें।
सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। यानी कोई भी जो व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था अमुक जो व्यवस्था दी गई है वो क्यों बनाई गई है, उन ऋषियों ने, उन महर्षियों ने, उन बुद्धिमानों ने, उन बुद्धिजीवियों ने क्यों बनाई है, समाज का से उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। उनमें जो देश और काल के अनुसार अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। यानी जो हमारे समाज के अनुकूल हैं, हमारी व्यवस्था के अनुकूल हैं, हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको हम ग्रहण करें, और जो अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, उसे व्यवस्था में ध्वंस उत्पन्न करने वाली हैं, उसे पीछे ले जाने वाली हैं, उनका निवारण करें। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। समाज में समाज विरुद्ध हो सकती हैं लेकिन शास्त्रों में विधान है, क्योंकि जब शास्त्र सम्मत है तो कहीं ना कहीं वह समाज के अनुकूल होगी, इसलिए उनको प्रचलन कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। किंतु जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, यानी विधवा विवाह उस समय बालपन में विवाह हो जाता था, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई कि जीवन वो बचपन में ही विधवा हो गई, पूरा जीवन कैसे कटेगा, इसलिए विधवा विवाह होना समाज के लिए नीति सम्मत माना गया। जहाज का सफर हम एक दूसरे इसलिए नीति सम्मत माना गया है कि जहाज के सफर से हम एक दूसरे से संबंध को स्थापित कर सकेंगे, देशों की यात्रा कर सकेंगे, और इस तरह से आपस में सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। लड़कों को छोटेपन में ब्याह कर उनका बाल धीरज आयु से सब मत घटाइए, यानी बाल विवाह को निषेध किया गया है। यानी अगर बचपन में विवाह हो जाएगा तो विवाह का औचित्य क्या है, यही नहीं समझ में आएगा, और उनका जो बल है, धैर्य है, या जो उनका जीवन की है वो सब क्षीण हो जाएगा, इसलिए बाल विवाह का भी निषेध किया गया। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। आप उनके माँ बाप हैं, उनके शत्रु नहीं हैं, इसलिए आवश्यक है कि उनके शरीर में बल को प्रभावी होने दीजिए, उनके शरीर में बल स्थापित हो, वे क्षमतावान बने, वे सामर्थ्यवान बने, वो शरीर से हृष्ट पुष्ट होने के साथ साथ ज्ञान में भी समृद्ध हों, तब उनके उनको नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, यानी उनको उत्तरदायित्व वहन करने की सामर्थ्य उनमें आ जाए, ये प्रयास करिए, तभी उनको उत्तरदायित्व में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, यानी जो बड़े कुल में ही विवाह करना है चाहे वहाँ समृद्धि हो या ना हो, इस वंश व्यवस्था को दूर करना है। और बहुविवाह यानी एक ही व्यक्ति अनेक विवाह करे तो यह भी जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसको भी दूर करना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जो जहाँ पर नीति और व्यवहार की शिक्षा न दी जाए, केवल औपचारिक शिक्षा ज्ञान के लिए दी जाए वो नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि दीक्षा के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। हम सामाजिक व्यवहारों में भी दीक्षित हों, हम जीवन के व्यापारों में भी दीक्षित हों, उसमें भी हमारे जीवन में जीवन को समृद्ध मिले, इसके इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिसमें समाज को उपकार के बदले बुराई न पैदा हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी चाल से ऐसी इस प्रकार से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखें, यानी अपने जीवन व्यापार को सकुशल चला सकें, अपने देश की समृद्धि में वे हाथ बटा सकें, वो भी समाज का अंग बन सकें और उसको आगे बढ़ाने में सहभागी बन सकें, अपने पारिवारिक धर्मों को सीख सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। ये बहुत आवश्यक है कि जो भी हमारे परिवार में आ रहा है उस आगे आने वाली पीढ़ी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो शिक्षा हो वह ऐसी होनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसे शैक्षिक रूप से समृद्ध बने, शैक्षिक रूप से वह संबलित हो सकें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यानी हमारे समाज में जिस प्रकार के भेदभाव, जो मत भिन्नता है वो सारी छोड़ दें, किसी प्रकार की मत भिन्नता हो ये सारा वैमनस्य हम छोड़ दें, भेदभाव छोड़ दें। ये समय इन झगड़ों का नहीं है, आपस में वैमनस्य पालने का, आपस में विचार भिन्नता का समय नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो नीचा हो सबका आदर कीजिए, समाज में जो व्यवस्था है वो सभी एक जैसे हैं, समाज में समन्वय होना चाहिए, हम समावेशी वृत्ति के बने, हम समावेशी समाज का गठन करें जिसमें सबका समावेश हो के सब लोग संगठित हो सकें, ऐसा समाज हम निर्मित करें, ऊंच नीच का सारा भेदभाव समाप्त कर दें।
जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। सबकी योग्यता भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी योग्य है। इसकी योग्यता का सम्मान कीजिए और उसका देश और समाज की समृद्धि में उसका उपयोग करिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। चाहे वो समाज में व्यवस्था की दृष्टि से कोई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समाज में मान सम्मान सबका होना चाहिए। उनका कभी अपमान करके उनका धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए। सब लोग आपस में मिलिए, सब लोग संगठित हों, और संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हम सब कुछ हासिल कर सकेंगे। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी से तालीम दो। तालीम का अर्थ है शिक्षा। हम अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था समाज में प्रचलित करें। पेंशन, वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दो कि हम पेंशन पाएंगे या छात्रवृत्ति पाएंगे या हमें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, यह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। तभी हम समाज को गतिशील और बना सकेंगे और प्रगति के शिखर पर ले जा सकेंगे। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, यानी हम स्वरोजगार अगर हम सीख जाएंगे तो हम दूसरों को भी रोजगार के योग्य बना सकेंगे, उनको रोजगार दे सकेंगे। विलायत भेजो, विदेशों में भी अगर हमें योग्य शिक्षा मिलती है तो वहाँ से भी लेना चाहिए। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलवाओ। हम मेहनत का अर्थ है परिश्रम, यानी हम बालपन से ही परिश्रमी बने। परिश्रमी होंगे तो सब जगह हमारा सामंजस्य बनेगा और हम सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य अर्जित कर सकेंगे। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। हम जातीय या धार्मिक दृष्टि से हमारे समाज में इतना समाज भिन्न है, उस भिन्न भिन्न समाज को भी संबंध रखते हुए, हम उससे संबंध रखते हुए भी एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे से हम संगठित बने, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, यानी हमारे यहाँ तकनीकी भी आगे बढ़े, तकनीक का आविष्कार हो जिससे हमारा रुपया हमारे देश में ही रह जाए, यानी हम आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके। जब हमारी जो आर्थिक पूंजी है बाहर न जा करके अपने देश में रहेगी तो निश्चित रूप से हम वह सब कुछ पा सकेंगे जो हम पाना चाहते हैं। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। यानी तरह तरह की चीज़ों को हम बाहर से आयात करते हैं तो हमारी जो पूंजी है उसमें खर्च हो जाती है और वे देश समृद्ध हो रहे हैं हमारे बल पर ही। इसलिए उन देशों को समृद्ध करने के बजाय हम अपनी चीज़ों को अपने देश में बनावें, ऐसी तकनीक का आविष्कार करें जिससे उन देशों को जाने वाली पूंजी बच सके और हम अपने संसाधनों का विकास कर सकें। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, यानी माचिस जिसको हम कहते हैं, वो माचिस भी वो दूसरे देशों से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, जो गमछा जिसको हम कहते हैं, वो जो हमने अंग वस्त्र धारण कर रखे हैं वो भी इंग्लैंड का है। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, फ्रांस की बनी हुई कंघी से हम अपने बालों को झाड़ते हैं, और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही जिससे हम प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, वो जर्मनी की बनी हुई है। ये तो वही मसल हुई एक बेफिक्रे, चिंता मुक्त, लापरवाह, जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान से लापरवाह बेपरवाह हैं, वो मंगनी का किसी के मांगे हुए कपड़े को पहन करके किसी महफिल में, समाज में, सभा में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, यानी ये अंगा जो है, ये जो अंगवस्त्र है वो किसी दूसरे का है। दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, जो टोपी है वो किसी दूसरे की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया घर की तो केवल मूछें ही मूछें हैं। यानी हम व्यर्थ का स्वाभिमान अपने अंदर रखे हुए हैं, अपनी जो मूछें हैं वो तो स्वयं की हैं, वो तो शरीर से ही उद्भूत हैं, शरीर से ही जन्मी हुई हैं, इसलिए वही हैं। यानी जो कुछ हमारे समाज रूपी जो शरीर है, उस समाज रूपी शरीर में भी सब कुछ बाहर से दूसरे देशों से आया हुआ है। हम अपने बारे में कैसे स्वाभिमान कर सकते हैं जब हम पराश्रित हैं हर चीज़ के लिए, दूसरे देशों पर हम आश्रित हैं कि वो हमें इस प्रकार से ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। तो किस प्रकार से हम अभिमान कर सकते हैं अपने देश पर, अपनी मातृभूमि पर। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यानी जो अभी तक हो गया सो हो गया, आलस्य में डूबे थे, अकर्मण्यता में डूबे थे, वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए। अब शिक्षा ऐसी प्राप्त करो कि वो अकर्मण्यता दूर हो, वो आलस्य दूर हो, वो जो दूसरे समाज के लिए हमारे अंदर जो हेयता का भाव है, वो हेयता का भाव उनके हृदय से दूर हो सके। ऐसा हम अपना समाज बनाएं, ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाएं, ऐसा अपने देश की समृद्धि करें। अपने देश जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो,
वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। चाहे हमारे खेल हो, चाहे हमारे शिक्षा दीक्षा हो, चाहे हमारे जीवन की कोई भी व्यवस्था हो, सब में हम अपने देश की समृद्धि की चिंता करें, उसके उत्कर्ष की, उसके उन्नति को, उसके आगे बढ़ाने की, उसकी प्रगति की चिंता करें। जब सब प्रकार से हम चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में समृद्धि आएगी ही, और देश में समृद्धि आएगी तो हमारे जीवन में भी समृद्धि आएगी। और भारतीय जी ने कहा ही है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी अपनी भाषा ही उन्नति का मूल है, सारी प्रकार की उन्नतियों का मूल है। इसलिए अपनी भाषा में उन्नति करो, क्योंकि अपनी भाषा में जो हम अपना अपनी बातचीत कह सकेंगे वो दूसरी भाषा में नहीं कर सकेंगे। अपने विचार जो हम अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे वो दूसरी भाषा में वो चीज़ नहीं आती। इसलिए अपने देश की उन्नति करो, अपनी भाषा की उन्नति करो, अपने समाज की उन्नति करो, और इस प्रकार से हम स्वयं अपनी उन्नति कर सकेंगे। ये विद्यार्थियों आपके लिए कुछ विशेष शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों की सहायता से आप पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ विशेष अभ्यास कार्य पाठ्यक्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, वो आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं। यानी एक गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश के आधारित जो पांच प्रश्न हैं वो पांच प्रश्न आप करने होंगे। इन इस पैराग्राफ को पढ़िए, इस अवतरण को पढ़िए, मन लगा करके अध्ययन करिए, उससे आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको पता है कि पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये आपको बताया जा चुका है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिचंद जी, जो भारतेंदु युग जिनके नाम पर चला है, और जिनको हम आधुनिक हिंदी साहित्य का हम जनक मान सकते हैं। या गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना पीछे की कक्षाओं में बताया गया है कि उपर्युक्त अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक भारतेंदु हरिचंद जी हैं, ऐसा आप संदर्भ लिख सकते हैं। यानी आपको कोई एक भाग करना होगा, चाहे पाठ और लेखक का नाम लिखें या संदर्भ उसका लिखें। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको व्याख्या समझाई जो जा चुकी है, उस व्याख्या को आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से प्रश्न दिए गए हैं कि भारतीय जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है, तो उनकी जो आकर्मण्यता है, तकनीकी ज्ञान न होना, वैज्ञानिक, इस तरह के बहुत सारे कारण बताए हैं। रीति रिवाज हैं, आडम्बर हैं, जो समाज में बाधा पैदा कर रहे हैं। लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है, लेखक को आश्चर्य इस बात का है कि उनमें सब प्रकार की सामर्थ्य है, फिर भी वे अपने उस समृद्धि को, उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी किसकी खोज की है, सौरमंडल की खोज की है, तारों की गति है, उनकी दूरी है, तरह तरह की खोज की है, वैज्ञानिक अनुसंधान किए हैं, वो अनुसंधान हमारे लिए आज भी बहुत प्रामाणिक हैं। इसी तरह से और भी आपके साथ आपकी सुविधा के लिए अभ्यास कार्य दिए जा चुके हैं, इनका आप सम्यक अध्ययन की कर सकते हैं और अपने पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से सूक्तियों की व्याख्या, यानी कुछ विशेष जो सूक्तियां हैं उनका व्याख्या का अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह से लेखक पर आधारित भी प्रश्न हैं, यानी लेखक के परिचय और उनकी रचनाओं का अध्ययन, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी भाषा शैली का अध्ययन कर सकते हैं। गद्य साहित्य के चेतना बिंदु थे भारतेंदु हरिचंद जी, इस कथन के आधार पर हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए। जब उनका साहित्यिक वैशिष्ट हम देखेंगे तो हम इस प्रश्न को भी हल कर सकेंगे। आशा है आपको इस पाठ में रोचक मिली होगी। धन्यवाद।